पुराने चाय समारोह के बारे में याद करते हुए और राघव से बात करते हुए स्नेहा राघव से कुछ कहने लगी। यदि आप जल्दबाजी नहीं करते हैं तो मैं आपके लिए खुद चाय बनाऊंगी। पूरे स्टीफंस यूनिवर्सिटी में मिस्टर राघव एक पात्र ऐसे व्यक्ति है जो बिना शर्त मेरे चाय समारोह कौशल का स्वाद ले सकते हैं। स्नेहा मुस्कुराई और जब उसने ये कहा तो वह अपने इमोशन छुपा नहीं सकी, लेकिन गर्व का संकेत प्रकट किया। राघव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। बड़ी फिश का एक पीस खाने के बाद उसने एक सिगरेट जलाई, फिर अपने चेहरे के दूसरी ओर मुड़ा। उसके सामने उस खूबसूरत चेहरे को देखा जो दुनिया की आतिशबाजी से मुक्त था और कहा, स्नेहा मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या मैं तुम्हारे लिए बहुत खास हूँ? ये मत कहना कि तुम अपने पिछले जीवन और जीवन के बारे में सब कुछ जानते हो, और ये मत कहना कि पिछले जन्म में तुम पर मेरा एहसान था इसलिए तुम्हें जीवन में इसका भुगतान करना होगा। क्योंकि उसके गले में धुएं का गुबार था। जब राघव ने ये शब्द कहे तो उसके मुंह से धुआं निकलता रहा और घने बादलों जैसा उठता रहा। स्नेहा एक परी की तरह धुंधली मुस्कान से मुस्कुराई और अपनी चमकीली आंखें झपकाई, जैसे कि उसके सामने सभी नजारे धुंधले हो गए। जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों में हजारों तारों की रोशनी खिलती हुई नजर आई। इस सवाल पर वह चतुराई से मुस्कुराई और अपनी चालाकी से दो शब्दों में जवाब दिया, इस बारे में आप खुद अनुमान लगाएं। राघव इतने गुस्से में था कि उसने बेताज स्कूल सुंदरी के नाजुक शरीर को लगभग अपनी बाहों में दबा लिया और फिर हल्के से उसके गाल पर थप्पड़ मारा। जौहरी परिवार के यंग मास्टर चिन्मय जौहरी इस दौरान बहुत शांत दिखाई दे रहा था और उसने राघव को परेशान करने की पहल नहीं की। हालांकि स्टीफंस यूनिवर्सिटी में उसने कभी कभी राघव को दूर से गश करते देखा था, लेकिन उसने राघव को न देखने का नाटक किया, जैसे कि वह पहले झेले गए सभी अपमानों को भूल गया हो। यदि चिन्मय जौहरी ने उकसाने की पहल नहीं की तो राघव स्वाभाविक रूप से उसकी किसी भी हरकत को दिल पर नहीं लेगा और सोचेगा कि जौहरी परिवार के यंग मास्टर एनलाइटेंड थे। दरअसल राघव के प्रति चिन्मय जौहरी की नाराजगी को देखते हुए मौका मिलने पर वह राघव को टुकड़े टुकड़े कर देगा, लेकिन फिलहाल उसने अपनी शिक्षा को अपने अंदर दबा रखा था। इस रात उस विला में जहाँ चिन्मय जौहरी अकेले रहता था, एक लैंड रोवर ऑफ रोड गाड़ी तेजी से गरज रही थी। दरवाजा खुला और ठंडे चेहरे और तेज नजर और एरोगेंट एनर्जी वाला एक आदमी कार से बाहर निकला। वह कोई और नहीं बल्कि खूनी शैतान जॉन्टी था। जॉन्टी विला में चला गया और उसने चिन्मय जौहरी को इंतजार करते देखा। कोई खबर है? चिन्मय जौहरी ने पूछा। जॉन्टी ने सिर हिलाया और कहा, टॉम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप से खबर यह है कि टॉम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप एक अधिक डेडली और डेंजरस मर्डर प्लानिंग शुरू करेगा, जिसका अर्थ है कि टॉम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप से अधिक शक्तिशाली हथियारे इस मिशन में शामिल होंगे। जब वो एक बार देहरादून शहर आते हैं तो वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि अपने टारगेट की किलिंग नहीं कर देते। ये टारगेट स्पष्ट है, यह निसंदेह राघव ही था। इससे पहले चिन्मय जौहरी ने राघव की हत्या करने के लिए ब्लड डायमंड के माध्यम से टॉम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप से एक हथियारे को आमंत्रित किया था, लेकिन ऑपरेशन विफल हो गया और वो हथियारा खुद ही मारा गया। टॉम ऑफ द लिविंग संस्था का नियम है कि एक बार वह कस्टमर से कोई मिशन एक्सेप्ट कर ले तो उसे अवश्य पूरा करता है, यहाँ तक कि अगर पहला ऑपरेशन विफल हो जाता है तो टॉम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनाइजेशन हथियारों के एक और ग्रुप को भेज देगा और तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि कस्टमर द्वारा सौंपा गया मिशन पूरा नहीं हो जाता और टारगेट की किलिंग नहीं हो जाती। बहुत अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ कि राघव एक हथियारे संगठन के खिलाफ क्या कर सकता है। चिन्मय जौहरी खुशी से मुस्कुराया। उसके लिए यह इन दिनों में सुनी गई सबसे अच्छी खबर कही जा सकती है। रात गहराती जा रही थी और सब कुछ सूना होता जा रहा था। एक अंधेरे कमरे जैसे दिखने वाले कमरे में एक भूतिया आकृति कंप्यूटर के सामने बैठी थी। कमरे में कोई रोशनी नहीं थी और एकमात्र लाइट का सोर्स कंप्यूटर स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी थी, जो अस्पष्ट रूप से एक सपाट और विकृत चेहरे को रिफ्लेक्ट कर रही थी। ये बिल्कुल ब्लैक शैडो ही था। छाया ऐसी लग रही थी जैसे वह कोई जानकारी ढूंढ रहा हो। वह बहुत व्यस्त और डिटरमाइंड लग रहा था। उसने काफी देर तक अपना रिसर्च जारी रखा और आखिरकार उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर एक महिला की तस्वीर और बायोडाटा दिखाई दिया। उसका चमकता चेहरा खिले हुए कमल की तरह था और चेहरे पर उसकी नाक, आंखें, होंठ और बाकी सारे फीचर्स ऑन पॉइंट थे। स्क्रीन पर दिखाई गई महिला ऐसी तारीफ के काबिल थी। उसकी बौहें सुरमई थी, उसकी त्वचा क्रीम की तरह मुलायम लग रही थी और उसका गोरा चेहरा बर्फ से ढके पहाड़ की चोटी पर खिले हुए बर्फ के कमल जैसा था। वह बेदाग और बेहद खूबसूरत थी। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, ये तुम ही हो, वह महिला जिसे मालिक पसंद करते। स्क्रीन पर महिला को घूरते हुए ब्लैक शैडो की आंखों में कट्टरता और उत्साह झलक रहा था, लेकिन यह उत्साह और खुशी स्क्रीन पर महिला की दुर्लभ सुंदरता के कारण नहीं थी। दरअसल उसे दुनिया की किसी भी महिला में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एकमात्र चीज
जिसके प्रति वह आसक्त था वह था उसका मालिक। जैसी मैं तुम्हें पकड़कर मालिक के पास लाऊंगा, मालिक खुश रहेंगे और मालिक मुझसे नाराज नहीं होंगे, ब्लैक शैडो अपने आप में बड़बड़ाते हुए कह रहा था। और उन मरी हुई मछली जैसी आंखों में एक अत्यंत पागलपन और चमकदार रोशनी फूट पड़ी जो लोगों के दिलों को झकझोर कर रख सकती थी। स्क्रीन पर महिला के तस्वीर के नीचे बायोडाटा लाइन पर वो अस्पष्ट रूप से कुछ शब्द देख सकता था। नैना अग्रवाल के पास हार्वर्ड विश्वविद्यालय से मैनेजमेंट और एजुकेशन में मास्टर डिग्री थी और वर्तमान में वह स्टीफंस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल के रूप में काम कर रही थी। एक आदमी जो नशे में था और बांस के यार्ड के पीछे वाले घर की आवाज सुन रहा था। स्नेहा ने अपने साथ लाई गई बियर पी ली थी, लेकिन वो दोनों अभी भी पूरी तरह से नशे में नहीं थे और उनका और पीने का मन था। राघव ने अचानक अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा और कहा, मैं लगभग भूल ही गया था, मेरे पास अभी भी यहाँ लाइफाइड रेड वाइन की दो बोतलें हैं। स्नेहा बस रुको, मुझे विश्वास है कि तुम्हें भी अभी नशा नहीं हुआ होगा और तुम थोड़ा और पीना चाहती होंगी, है ना। जब राघव फिर से पीछे वाले यार्ड की तरफ से लौटा तो उसके हाथ में पहले से रेड वाइन की दो बोतलें थी। लाफाइट रेड वाइन की ये दो बोतलें तब वापस लाई गई थी जब उसने और एमिली ने उस रात फ्रेंच रेस्टोरेंट में डिनर किया था, लेकिन बिल का भुगतान एब्रम स्मिथ ने किया था। वास्तव में स्नेहा की आंखों में नशे का कोई निशान नहीं था, लेकिन वे चमकदार और साफ हो गई थी। उसने रेड वाइन की दो बोतलों को देखा जो राघव ने छोटी टेबल पर रखी थी और वास्तव में वो उसे देखकर आश्चर्यचकित थी। स्नेहा ने उस बॉटल को देखते हुए कहा, ओह, ये 1982 की लाफाइट है। मिस्टर राघव, मैं नहीं बता सकती कि आप मेरे सामने अभी एक अमीर आदमी हैं और मुझे नहीं पता था कि आपके पास अभी घर में इतनी अच्छी शराब छिपी हुई है। राघव ने हंसते हुए कहा, यह शराब मुफ्त का है, ये एक ठग की जेब से आई है, मैंने इसे लूट लिया और इसे उससे ठग कर वापस आ गया, क्या हम इसे पी सकते हैं, स्नेहा ने राघव से पूछा। बिल्कुल, राघव ने अपना मुंह खोला जवाब दिया और बोतल से कॉर्क निकालने के लिए वाइन ओपनर का इस्तेमाल किया। उसने बहुमूल्य 1982 लाफाइट उठाया और वाइन ग्लास में डाला। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि वह जैसे वाइन पीता था वो सही तरीका था या नहीं, लेकिन उसने बिना ज्यादा सोचे अपना ग्लास उठाया और एक सांस में पूरे ग्लास की वाइन को पी गया। यदि उसकी यह हरकत वाइन चखने के कुछ एक्सपर्ट्स की नजर में पड़ गई होती तो वे उसे इतनी महंगी वाइन को ऐसे पीकर बर्बाद करने के लिए डांट सकते थे। क्या इतनी महंगी रेड वाइन पीने का यही सही तरीका है, स्नेहा ने अपने मन में सोचा। और फिर स्नेहा ने भी वाइन ग्लास उठाया और पी लिया। वो नहीं जानती थी कि क्या वह रेड वाइन का स्वाद चख सकती है और उसे आराम से भी पी सकती थी। वह केवल इतना जानती थी कि शराब पीने के बाद उसने अपने लिए आधा कप वाइन बचा लिया था। राघव ने उसे नहीं रोका। सबसे पहले उसने स्नेहा से कहा था कि वह मैक्सिमम 3 कैन से अधिक बियर नहीं पी सकता, लेकिन जब उन्होंने इस छोटी लड़की को एक के बाद एक बियर के कैन पीते हुए देखा तो वह हैरान हो गया, क्योंकि इतना पीने के बाद भी वो बिल्कुल नशे में नहीं लग रही थी। इसके बजाय उसकी आंखें और अधिक तेज हो गई थी। ये इतना उज्ज्वल और स्पष्ट था कि राघव थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों से भ्रमित हो गया था। ये सोचकर कि अगर स्नेहा इतनी स्मार्ट थी तो क्या ऐसा हो सकता है कि वह भी शराब पीने में काफी कैपेसिटी रखती थी और एक क्या 10 ड्रिंक पीने के बाद भी नशे में नहीं आ सकती थी। तो अंत में राघव ने अब और परवाह करने की जहमत नहीं उठाई और जो उसने पहले कहा था उसे ऐसे मान लिया जैसे कि यह उसके लिए नॉर्मल बात थी। राघव ये भी देख सकता था कि स्नेहा का फैमिली बैकग्राउंड भी कोई मामूली नहीं था। इस तरह का उदार गुण और उसका अलौकिक परी जैसा स्वभाव ऐसी चीज नहीं है जिसे आम लोग मेंटेन कर सकते थे, चाहे साहस हो या ज्ञान, वे सामान्य से कहीं परे है। उसकी उम्र से भी ज्यादा उसके अंदर क्वालिटीज छिपी हुई थी। हालांकि स्नेहा ने उसे ये सब नहीं बताया, इसलिए उसने पूछने की जहमत भी नहीं उठाई। एकमात्र बात जिसके बारे में वह उत्सुक था वो ये थी कि यह छोटी लड़की उसे पहली बार देखने से ही बहुत खास लग रही थी। साफ शब्दों में कहें तो यह विशेषता एक अलग तरीके की ही थी जो राघव पर आँख बंद करके और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके करीब आकर ऐसी ऐसी बातें कह जाती थी या ऐसा काम कर जाती थी जिसकी राघव को भी उम्मीद नहीं होती थी। हाँ, विशेष रूप से विश्वास की भावना, जैसे कि राघव ने उसे अपना बना लिया हो और वो उसके लिए बिना एक बार भी सोचे कुछ भी करने के लिए तैयार होती थी। यदि ऐसा नहीं था तो कौन सी लड़की इतनी रात को सिक्योरिटी गार्ड के पास बियर और बारबेक्यू लेकर वहां आएगी और इतनी बेफिक्र होकर उसके साथ शराब भी पिएगी। मिस्टर राघव, मुझे अपनी कहानी बताओ, स्नेहा ने अपना सिर झुकाया। इस समय उसकी एनर्जी अवर्णनीय रूप से सुंदर और प्यारी थी और उसने आंख मारते हुए राघव की ओर देखा। उसकी आंखों में स्पष्ट तरंगे उसकी आंखों से बहती हुई प्रतीत हो रही थी। राघव ने स्नेहा पर नजर डाली और जब उसने इस समय उसकी कामुक भावनाओं को देखा तो वह थोड़ा चकित हुए बिना नहीं रह सका। उसने नहीं सोचा था कि समय के साथ ये छोटी लड़की उसके सामने किसी हुस्न परी से भी अधिक आकर्षक और मनमोहक होगी और वह एक बिल्कुल मैच्योर और खूबसूरत लड़की जैसे उभर कर सामने आएगी
और हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। थोड़ी देर के लिए अपने सपनों की दुनिया में उसके करीब आकर ऐसी ऐसी बातें कह जाती थी या ऐसा काम कर जाती थी जिसकी राघव को भी उम्मीद नहीं होती थी। हाँ, विशेष रूप से विश्वास की भावना, जैसे कि राघव ने उसे अपना बना लिया हो और वो उसके लिए बिना एक बार भी सोचे कुछ भी करने के लिए तैयार होती थी। यदि ऐसा नहीं था तो कौन सी लड़की इतनी रात को सिक्योरिटी गार्ड के पास बियर और बारबेक्यू लेकर वहां आएगी और इतनी बेफिक्र होकर उसके साथ शराब भी पिएगी। मिस्टर राघव, मुझे अपनी कहानी बताओ। स्नेहा ने अपना सिर झुकाया। इस समय उसकी एनर्जी अवर्णनीय रूप से सुंदर और दिखा तो वह थोड़ा चकित हुए बिना नहीं रह सका। उसने नहीं सोचा था कि समय के साथ ये छोटी लड़की उसके सामने किसी हुस्न परी से भी अधिक आकर्षक और मनमोहक होगी और वह एक बिल्कुल मैच्योर और खूबसूरत लड़की जैसे उभर कर सामने आएगी और हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। कहानी? कौन सी कहानी? राघव ने स्नेहा की तरफ देखते हुए पूछा। स्नेहा थोड़ी देर के लिए अपने सपनों की दुनिया में खो गई और उसकी आंखों में रोशनी की चमक के साथ उसने कहा, बस मुझे युद्ध के मैदान में अपने समय के बारे में कुछ कहानियां बताओ। एक युद्ध क्षेत्र, गोलियों और धुएं से भरा युद्ध क्षेत्र, मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में देखो। क्या युद्ध क्षेत्र के बारे में मेरे से बात करने के लिए ये बहुत अलग टॉपिक नहीं है? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। टीच, क्या आप इसे दूसरों से या मुझसे छिपा सकते हैं? मुझे पता है कि मिस्टर राघव युद्ध के मैदान में रहे होंगे। स्नेहा ने राघव से कहा, तुम कैसे कह सकती हो कि मुझे युद्ध या युद्ध क्षेत्र का अनुभव हो सकता है? राघव ने स्नेहा से सवाल किया। तुम्हारे शरीर पर छोटे बड़े निशान इस बात का सबसे अच्छा सबूत है। मुझे ये मत बताना कि वे निशान बचपन में तुम्हारी शरारतों के कारण बने थे। तुम कहो या ना कहो, फिर भी मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं होगा। क्या तुम अपने जैसे शरारती बच्चे पर विश्वास करती हो? उसके साथ तो ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। राघव चुपचाप हंसा, लेकिन उसके दिल में आश्चर्य का संकेत भी था। ऐसा लग रहा था कि इस छोटी लड़की की आंखें बहुत तेज थी। जब उसने उसके लिए दरवाजा खोला तो क्या वह तब बिना कपड़ों के नहीं था? जहां तक उसकी भुजाओं की बात है, उसने अपने घावों की डिटेल्स पर कभी भी जरा ध्यान नहीं दिया था। क्या आपको मैं अभी भी एक छोटी लड़की ही लगती हूँ? इसने ने गुस्से में राघव से कहा। उसे छोटी बेंच हटा दी और राघव के बगल में जाकर बैठ गई। उसने उस चेहरे की ओर देखा जो पिछले 6 वर्षों में नहीं बदला था। स्नेहा ने अपने चेहरे पर थोड़ी कठोरता और परिपक्वता दिखाई और कहा, क्या आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। राघव ने स्नेहा से पूछा, क्या राघव अपने युद्ध अनुभव के बारे में स्नेहा को बताएगा? आखिर कौन था ये राघव का नया दुश्मन जो बार बार उसे मारने की कोशिश कर रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर कमांडो राघव।